हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के कर्ड बैच में। मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। बच्चों, मैं यहां पर आपका केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज बच्चों हम आपका सिलेबस ओवरव्यू लेकर आए हैं। हम केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चों कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या होगा, तो आइए देखें। तो सबसे पहले बच्चों हम केमिस्ट्री के दो बुक पढ़ेंगे बच्चों, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। पार्ट वन में बच्चों हमें पढ़ना रहता है भौतिकी। क्या बच्चों? भौतिकी व अकार्बनिक रसायन। और पार्ट टू में बच्चों में पढ़ना रहता है कार्बनिक रसायन। तो बच्चों पार्ट वन हम क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक और भौतिकी रसायन। और पार्ट टू में क्या पढ़ेंगे बच्चों? आपका कार्बनिक रसायन। तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी ठोस अवस्था। अब आपकी ठोस अवस्था क्या होती है बच्चों? तो आपने पढ़ रखा है वह अवस्था जिसमें कणों के बीच की दूरी न्यूनतम हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आपका विलयन, इसके बाद वैद्युत रसायन, फिर रसायन बलगतिकी, पृष्ठ रसायन बच्चों, और फिर तत्वों के निष्कर्षण व सिद्धांत के प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों इसके बाद बच्चों आपका पी ब्लॉक होगा, जिसमें हम पी ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद बच्चों आपका क्या होगा? डी ब्लॉक होगा, जिसमें बच्चों डी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर बच्चों होगा उपसहसंयोजन यौगिक, कि आपके डी ब्लॉक जो कंपाउंड बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये तो आपका पार्ट वन की बात हुई। अब बच्चों पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे? हैलो एल्केन और हैलो एरिन। तो हैलो एल्केन क्या होता है बच्चों? क्लास टेंथ में हम एल्केन के संबंध में पढ़ चुके हैं, क्लास इलेवेंथ में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय बच्चों देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन के बारे में बच्चों। फिर आपका देखेंगे हम एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। तो बच्चों एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर बच्चों, तो एल्कोहल के विषय में देखें बच्चों, फिनाल और बच्चों इसके बारे में ईथर के बारे में देखेंगे। और यहाँ बच्चों क्या है आपका? हैलो एल्केन है, और क्या बच्चों आपकी हैलो एरिन है। फिर देखेंगे बच्चों हम आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे आपका? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। सर डिलीट कर दिया। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब नाइट्रोजन युक्त सबसे पहले बच्चों अमोनिया के व्युत्पन्न देखेंगे, जैसे बच्चों RnH2, R2NH, R3N। इसके बारे में बच्चों हम देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम जैव और देखेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, इससे बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वह अन्य, इसके विषय में बच्चों हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद बच्चों आएगा आपका बहुलक पॉलीमर, पॉलीमर देखेंगे बच्चों। इसके बाद हम आपका देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन, कि रसायन विज्ञान का बच्चों हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। और सबसे पहले बच्चों आपको हम बता दें कि यहाँ पर बच्चों आपको टाइमली क्लासेस मिलेंगी। पहली चीज समय से
रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी बच्चों। दूसरी एक्सपेरिमेंटली टीचिंग रहेगी बच्चों, एक्सपेरिमेंटली अध्यापन रहेगा बच्चों। और तीसरी चीज बच्चों, न्यूमेरिकल्स मतलब बच्चों आपके आंकिक, यहाँ बच्चों आपके सॉल्व कराए जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट बच्चों आपके बहु विकल्पी, क्या बच्चों बहु विकल्पी, यहाँ बच्चों आपके सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपकी टेस्ट की सुविधा रहेगी। और इसके बाद बच्चों आपका जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा बच्चों उसे बच्चों प्राइज भी यहाँ पर दिया जाएगा। कोई या तो हम अवार्ड देंगे बच्चों या तो कोई इसको हम प्राइज देंगे। तो इतनी सुविधाएं बच्चों आपको मिलेगी। क्या है बच्चों, समय से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, एक्सपेरिमेंटली अध्यापन रहेगा, न्यूमेरिकल साल कराए जाएंगे बच्चों, वह विकल्पी आपका साल होगा यहाँ पे, आपका टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट होने के बाद बच्चों अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो टॉप फर्स्ट को बच्चों आपको क्या दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब आपका लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो बच्चों फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।